हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन विद मी. आई एम सुभाष सिजदास, योर फेवरेट यूट्यूब चैनल IIT जून ट्यूटोरियल में आपके लिए लाए हैं क्लास 12 बेस्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्टेंस सर्किट. बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जानते हो कि रेजिस्टेंस में बहुत तरह का डिफरेंट अरेंजमेंट बन सकता है ना. इसके पहले भी आप अगर चैनल पे इसके पहले आए हैं, आप अगर मेरे प्लेलिस्ट में गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी प्लेलिस्ट में, तो वहाँ आपको ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्विंग कई वीडियोस मिलेंगे देखने के लिए. अगर आप नहीं देखे हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो ज़रूर ये चांस को मिस मत कीजिए. आप चैनल का प्लेलिस्ट पे जाइए करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें आप बहुत सारा वीडियोज़ आपको मिलेगा जहाँ मैंने कई वीडियोस में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक्स एंड टेक्निक्स डिस्कस किए हैं जो आपका 12 बोर्ड एग्जामिनेशन और खासकर JEE नीट एंड IIT JEE एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का जो आपका सपना है उसको सक्सेसफुली पूरा करने के लिए बहुत सपोर्ट करेगा. तो उसी सीरीज़ को आगे लेके चलते हुए मैं आपके लिए आज फिर कुछ प्रॉब्लम्स ला रहा हूँ जिसको डिस्कस करूँगा आपके साथ विद द फुल ऑफ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन. और जैसे कि आप जानते हो कि मेरे वीडियो में एक चीज़ बहुत ज़्यादा होता है, और वो है कि मैं किसी भी प्रॉब्लम को जस्ट आपको ना शॉर्टकट ट्रिक के जगह मैं थोरो कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ, ताकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं मेरा, दो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखते हैं एक वीडियो में, तो वहाँ से आप 10 प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक सीखिए. आप यहाँ अगर 10 प्रॉब्लम सीखते हैं तो आपसे 50 प्रॉब्लम बनने का टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए. तो चलिए, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो इस ऑप्शन को मिस मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और आप हमेशा इस चैनल के साथ जुड़े रहिए. और पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए. आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके फीडबैक से ही और 10 नए बच्चे को इस चैनल के बारे में पता लग सकता है और उसको सही प्रिपरेशन करने का सही जगह मिल सकता है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो देखिए, आज का डिस्कशन पहला सर्किट है, ये है पहला डायग्राम. डायग्राम थोड़ा सिंपल भी है, किसी के लिए ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट कि आपका अंडरस्टैंडिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड सर्किट में कहाँ स्टैंड करता है. तो चलिए, ये मैं बहुत इजी चीज़ पूछने वाला हूँ इसमें, बहुत इजी. आप सोचोगे कि इतना सर्किट में क्या सिंपल चीज़ से पूछ रहे हैं. तो जो इस सर्किट में मैं पहला चीज़ जो पूछना चाहता हूँ वो है फाइंड VA-VB. बहुत ईजी है फाइंड VA-VB. शायद मेरा क्वेश्चन बोलते बोलते आप में से कई का सॉल्यूशन भी मिल गया होगा. देखिए, VA-VB अगर पूछ रहा है तो हम जानते हैं कि सर्किट में जब कभी आपको दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाता है, कोई भी दो पॉइंट के बीच में एक क्लोज लूप में, चाहे वो लूप में एक ऑपरेटिंग सोर्स हो यानी कि एक बैटरी हो या मल्टीपल बैटरीज है, तो आपको करना क्या है, आपको उन दो पॉइंट के बीच में जिन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है उन दोनों को कनेक्ट करने वाला कोई एक सिंपलेस्ट पाथ आप ढूंढिए. अगर आपको उन दोनों के बीच में एक ऐसा पाथ मिल जाता है जिस पाथ में रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ बैटरी है, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपको तब करंट इवैल्यूएट करने का ज़रूरत ही नहीं है. वही चीज़ यहाँ भी है. अगर मैंने पूछा VA-VB तो ए से बी तक है ना, ए से बी तक जाने का ये पाथ देखिए जिसमें कोई रेजिस्टर नहीं है, सिर्फ बैटरीज है, तो आप बहुत आसानी के साथ बता सकते हो कि VA-VB विल बी बेसिकली VAC+VCD+VDB, क्योंकि ये वो एक कनेक्टेड पाथ बन सकता है विदाउट रेजिस्टर. भले ही सर्किट में यहाँ चार रेजिस्टर दिया है, उसमें एक पॉइंट पे करंट भी हमको ये भी निकालना है, लेकिन फिलहाल पहला पार्ट अगर हमारा VA-VB इवैल्यूएशन करने का है तो बहुत आसानी के साथ ए से बी तक थ्रू ACDB ये पाथ को अगर चुन लेते हैं तो क्या होगा, हमको इस पाथ में, इस कनेक्टेड पाथ में कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, तो रेजिस्टर नहीं आने की वजह से हमको अक्रॉस द रेजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंस जानने का भी जरूरत नहीं पड़ा टू आंसर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. ठीक है, तो इसका मतलब हो गया हर पाथ में बैटरी है,
ए से सी जाएंगे तो प्लस, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं प्लस 4 वोल्ट, सी टू डी जा रहे हैं वो भी पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल प्लस 8 वोल्ट, डी से बी जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव माइनस 6 वोल्ट, ठीक है, यानी कि कितना हो गया 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट हो गया यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। यही अगर मान लीजिए आपको ए और बी के बजाय अगर सिर्फ ए टू डी पूछ देता तो आप 4 + 8 = 12 बता देते, अगर आपको सी टू बी पूछता तो 8 - 6 + 2 बता देते, है कि नहीं। तो सिंपल हो गया कि हम लोग समझ गए कि कहाँ कोई भी दो इंटरमीडिएट पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है एक क्लोज लूप में, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि ऐसा कोई कनेक्टेड पाथ है क्या जिसमें सिर्फ बैटरी है, तब इससे आपका काम आसान हो जाता है। आपको रेजिस्टर बीच में अगर पाथ में नहीं आता है तो बाय ओम्स लॉ का भी एप्लीकेशन का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एज पर ओम्स लॉ करंट इनटू रेजिस्टेंस से ही मिल सकता है कि नहीं। तो ये मैं पाथ कनेक्ट कर लिया एज पर डायग्राम जहाँ रेजिस्टर नहीं है, तो इसीलिए करंट निकालने का भी जरूरत नहीं पड़ा। विदाउट नोइंग द करंट आई कैन डायरेक्टली आंसर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि फाइंड करेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। तो बहुत सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है, एकदम बेसिक एलिमेंट्री क्वेश्चन है ना। तो देखिए सबसे पहला बात है कि आई जो इस पोर्शन में दिखाया गया है थ्रू 6 ओम वाला ब्रांच, अगर आप पूरा देखते हैं ए टू डी, तो ये जो रेजिस्टर है ये बी सी पाथ को टच नहीं कर रहा, ये ओवरलूप है। ऊपर से जब इस तरह सा एक रेजिस्टर पाथ के ऊपर से ऐसे करके आपको दूसरा पाथ दिखाएगा, यानी कि दिस टू वायर्स आर नॉट टचिंग ईच अदर। तो यहाँ भी वही है, ए टू डी कनेक्शन इज नॉट टचिंग बी टू सी कनेक्शन, यानी कि हमारे पास ये वाला ट्रायंगुलर अरेंजमेंट आ गया, जो ये ए है, ये आपका सी है, ये डी है, ठीक है। यहाँ है हमारा प्लस 4, यहाँ है हमारा प्लस 8, है ना, ये पॉजिटिव 8 नेगेटिव 8, और ये अगर एक सिंगल कनेक्टेड पाथ है तो टोटल ओवरऑल रेजिस्टर इस पाथ का है 2 + 6 यानी कि 8 ओम। तो जो आई है वो इस ऑर्डर में दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर मैं ए टू डी का चेक करूँ तो ए टू डी, यहाँ ए टू डी ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है प्लस 4 + 8 यानी 12 वोल्ट, यानी ए से डी तक 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। वी ए डी यहाँ बन गया 8 + 4 यानी 12 वोल्ट, सो देयर फॉर करेंट फ्लोइंग इन बिटवीन दिस टू पॉइंट्स विच आर एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट थ्रू द 8 ओम रेजिस्टर इज 12/8, वी इज इक्वल टू आई इन टू आर। तो ये हो गया आपका 3/2 एम्पियर, सो 3/2 एम्पियर हो गया करंट एज इट हैज बीन मार्क्ड हियर इन दिस पर्टिकुलर ब्रांच। तो करंट का वैल्यू मिल गया हम लोगों को कितना, 3/2 एम्पियर। तो सिंपल है, आसान है, समझ में आ रहा है, कहीं रुकने का कोई बात ही नहीं है। हाँ, इसमें मैं एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ, आपके लिए, ठीक है। अगर मान लो ये वाला ओवरलूप ना हो के ये अगर कनेक्टेड होता, फॉर एग्जांपल ये दोनों को टच किया हुआ पाथ है और फिर मैं वही वैल्यू को रखूं 6 ओम, तब क्या होगा। मान लो इस पॉइंट को अब मैं पी कह रहा हूं, ठीक है, ये पॉइंट को अब मैं पी कह रहा हूं। तो ऐसा है कि पी पॉइंट का जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं क्या कर सकता हूँ, पी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस को होल्ड करते हुए मैं ये ए पी सी का एक क्लोज लूप बना सकता हूँ, ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर मैं ए पी सी का क्लोज लूप ले लूँ, यानी कि क्या मैं हर पाथ को रिमूव कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अगर मैं पी को इस तरह से हटा लूँ, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो सवाल ये है कि ऊपर वाला ब्रांच जो है, यहाँ ए टू बी मेरे को तो अप्लाइड वोल्टेज मिल गया, ए टू बी मेरे को अप्लाइड वोल्टेज मिल गया, और यहाँ से यहाँ तक वो अप्लाइड वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट। तो मैं 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यहाँ इस टोटल पाथ को हटा के यहाँ एक 6 वोल्ट का कनेक्शन लगा सकता हूँ, ठीक है।
और ये वाला 2 और 6 का जो रेजिस्टेंस है मैं 8 वोल्ट के क्रॉस कनेक्ट कर सकता हूँ, और तब मैं यहाँ कह सकता, मान लो ये I1 है तो इसमें भी I1 चला जाता और तब भी ये हो जाता 2+6 यानी 8, और तब करंट का वैल्यू हो जाता 8/8 यानी 1 एम्पियर। बात समझ में आया कि नहीं? अगर वो टच करता तो व्हाट कुड हैव बीन डन, व्हाट कुड हैव बीन द वे ऑफ डीलिंग द प्रॉब्लम। मैं पी पॉइंट के जरिए यहाँ अगर सर्किट को एलूव कर लेता ताकि यहाँ इन दोनों के बीच में मेरे को जो अप्लाइड वोल्टेज मिला है उस अप्लाइड वोल्टेज का मैं अगर एक इक्विवेलेंट बैटरी ले लूँ और इसके लेके पी पॉइंट से लेके यहाँ अगर खोल दूँ ये जंक्शन को, तो यहाँ एक क्लोज लूप बन जाता है और ये इसके अक्रॉस कनेक्ट हो जाता है, तो तब ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में हो जाता है अक्रॉस 8 वोल्ट, और 2+6 8 ओम अक्रॉस 8 वोल्ट करेंट कुड हैव बीन फ्लोइंग इन दिस ब्रांच एज 1 एम्पियर, और उसको मैं अक्रॉस इक्विवेलेंट वोल्टेज के अक्रॉस उधर 2+4 को जोड़ सकता था। ठीक है, तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया आपको कि अगर ये कनेक्शन, ये दोनों डायगोनल मतलब क्रॉस वायर्स अगर टच कर रहा है तो क्या होगा, और अगर नहीं टच कर रहा है तो क्या होगा, दोनों पॉसिबिलिटी डिस्कस कर लिए। ठीक है, ओके, वेल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। तो यहाँ देखो, ये एक ओपन सर्किट दिया है, मतलब क्या है, ये एक क्लोज सर्किट का एक पार्ट है ना, मतलब पूरा सर्किट को तो नहीं दिया है कहीं भी बैटरी का, है ना, बैटरी पोजीशंस मेंशन नहीं किया है, लिखा है कि पूरा सर्किट का एक पार्ट वाइज अरेंजमेंट दिया है, ABCD 4 जंक्शंस है जिसमें से 3 जंक्शंस का अप्लाइड वोल्टेज दिया है, और हमको यहाँ निकालना है फाइंड VC पोटेंशियल एट द पॉइंट C, ये जो जंक्शन है C पे, और बहुत ध्यान से देखो डायग्राम में, तो ये 3 एरो अब C के जंक्शन के पास आप 3 एरो देख पा रहे हो ना, एक एरो आपको D से C जाता है, वो 2 एरो ऐसा, इसका मतलब ये करंट के बारे में बात कर रहा है कि अगर मैं यहाँ I करंट लेता हूँ और मान लो I करंट अगर मैं I1 I2 दोनों ब्रांच में स्प्लिट कर देता हूँ, ठीक है, करंट अकॉर्डिंग टू कर्चॉफ्स जंक्शन रूल, है ना, जंक्शन रूल में क्या होगा, टोटल चार्ज कंजर्व होता है एक पॉइंट पे, यानी कि जो नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो कंजर्व्ड है, तो जितना इनफ्लो चार्ज है उतना ही आउटफ्लो चार्ज होगा, इनफ्लो चार्ज का वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ द आउटफ्लो चार्जेस, तो इसीलिए दैट इनकमिंग करेंट एट सी विल बी इक्वल टू द आउटगोइंग करेंट एट सी। तो यहाँ इसका मतलब है कि अगर मैं सी का पोटेंशियल मान लो वी मान लेता हूँ, तो मैं डी से सी के लिए लिख सकता हूँ 6 माइनस पोटेंशियल डिफरेंस, आई कैन राइट डाउन 6 माइनस वी, ये किसके बीच में लिख रहा हूँ, ध्यान से, डी टू सी, ठीक है, करेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी गिवन बाई 3 I, लेट दिस इज विद इक्वेशन 1, ये किसके लिए मैंने लिखा, किसके लिए लिखा, बिटवीन डी टू सी, ये डी सी के लिए है ना, ये डी सी के लिए मैंने लिखा। ठीक है, आगे देखो, मैं अगर सी टू बी लिखता हूँ तो वो क्या होगा, सी बी के लिए मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, वी माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 2 I2, है कि नहीं, और फिर उसी तरह से मैं सी माइनस मतलब सी टू ए इसके लिए लिखूंगा वी माइनस 2, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 1 I1। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इसको अगर मैं इक्वेशन 2 इसको इक्वेशन 3 लिख रहा हूँ, तो जो पहला इक्वेशन मैंने 3I लिखा, चूँकि I क्या था, I था हमारा इनफ्लो करेंट, इनफ्लो करेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द आउटफ्लो करेंट, तो इसका मतलब है मैं I को, इसको थोड़ा और इलेबरेट करता हूँ, 3I को मैं लिख सकता हूँ 3I1 + 3I2, है ना, 3I1 + 3I2, क्योंकि I ही I1 + I2 है, तब हमारे पास I1 I2, हमको देखो बेसिकली भी निकालना है, I1 I2 तो नहीं निकालना है, तो अब मैं इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करूं और वहां भी वह है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, फिलहाल मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं ये करूं, क्या बोलते हैं, एलिमिनेट करूं आइदर I1 या I2 को। ठीक है, तो देखो अगर मैं इक्वेशन 3 और 1, ये 3 I1 है तो मैं I2 का वैल्यू निकाल सकता हूं, कैसे, क्या कर सकता हूं, इक्वेशन 1 माइनस 3 इनटू इक्वेशन 3 करूंगा, क्योंकि ये 3 I1 हो जाएगा, तब मैं इसको लिख सकता हूँ 6 माइनस वी माइनस ऑफ
3 into V minus 2, that is equal to this minus 3 times of this, that is equal to 3I2, ठीक है, 3I2 हो गया. और फिर मेरे पास I2 का एक रिलेशन है फ्रॉम इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 से इंस्टेड ऑफ I2 कैन आई राइट डाउन V माइनस 4/2. मेरा ऑब्जेक्टिव तो V को रखना है ना. पहले क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 का ये कैलकुलेशन लिया. देखो 1 को मैं 3 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि मेरा I1 एलिमिनेट हो जाए, तो I2 रहा. अब फिर इक्वेशन 2 से मैंने I2 को इन टर्म ऑफ V सब्स्टिट्यूट कर दिया. तब हमारा कैलकुलेशन क्या आया, देखो 6 माइनस V माइनस 3V प्लस 6, और उधर हो जाएगा 3/2V माइनस 6, यानी 12 माइनस 2 6. तो ऑल टुगेदर सभी V को एक जगह रखते हैं और इधर आ जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 6 यानी 18 इक्वल्स टू इधर 4 प्लस 3/2 दिस इन टू वी, ठीक है ना. तो ये कितना हो गया कैलकुलेशन, आगे करेंगे तो 8 प्लस 3 11/2 इन टू वी, यानी कि वी का वैल्यू आ गया हमारा 18 इन टू 2/11, ठीक है, 36/11 वोल्ट, ठीक है. तो पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट सी का ही पोटेंशियल हमने वी एज्यूम किया था, तो सी पॉइंट का पोटेंशियल आ गया 36/11 वोल्ट, ठीक है. समझ में आ रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ. बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, ठीक है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन होने के बावजूद भी बेसिक चीज पर ध्यान रखना है, प्रॉपरली इक्वेशन लिखना है, कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है और फिर उसको सॉल्व करना है. सिंपल काम है, इतना ही चाहिए. ऐसा नहीं है कि जेईई या नीट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको बहुत सुपर हाई फंडा कुछ चाहिए. आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, थॉरो होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग का हर एक पॉइंट, मतलब जो भी आप थ्योरेटिकली पढ़ते हो उसका जो मैकेनिज्म है उसको प्लॉट करना, उसको न्यूमेरिकल करते समय जो दिमाग में है उसको उतार पाना कॉपी में बहुत ज़रूरी चीज़ है. और यही है मैथमेटिकल एप्लीकेशन, यही है न्यूमेरिकल सॉल्विंग ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, द वे ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स.